सेल्फिस गिल ने कप्तानी का उठाया फायदा, किया शेख शर्मा का करियर बर्बाद। जी हाँ, इस वक्त शुभमन गिल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आरोप गढ़े जा रहे हैं, मढ़े जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि शुभमन गिल ने तीसरे T20 मुकाबले में कप्तानी का फायदा उठाया और उनको सेल्फिस गिल तक कहा जा रहा है। आखिरकार क्या कुछ गिल ने कर दिया, कैसे कप्तानी का फायदा उठाया, कैसे उनके एक फैसले से अभिषेक शर्मा का जो करियर है वो अधर में आकर अटक चुका है, कैसे जो मैन इन फॉर्म अभिषेक शर्मा थे वो तीसरे T20 मुकाबले में शुभमन गिल के एक फैसले के कारण विफल रहे, कैसे अभिषेक शर्मा का जलवा तीसरे T20 मुकाबले में हमें देखने को नहीं मिला और उसमें क्यों शुभमन गिल का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। अगर बात करें तीसरे T20 मुकाबले की तो चर्चा जोरों शोरों से थी। सभी क्रिकेट प्रशंसक सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने के लिए व्याकुल थे, टीवी से चिपके बैठे थे कि भैया अभिषेक शर्मा आएंगे, ताबड़तोड़ अंदाज में पावर प्ले के ओवरों में चौके छक्के लगाएंगे, मजा आ जाएगा, वो वीरेंद्र सहवाग वाला जमाना आ जाएगा जब पावर प्ले के ओवरों में जमकर कुटाई करते थे भारतीय बल्लेबाज, खासकर वीरेंद्र सहवाग। लेकिन यहां पर शुभमन गिल ने टॉस जीता, पहली बल्लेबाजी की। सबको अनुमान था चाहे शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल आए या यशस्वी जायसवाल आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अभिषेक शर्मा जरूर पावर प्ले के ओवरों में आएंगे क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले के ओवरों में सफल रहे हैं आईपीएल में, वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले के ओवरों में जमकर चौके और छक्के लगाते हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, उनसे बेहतरीन अभी तक पावर प्ले के ओवरों में किसी का स्ट्राइक रेट नहीं रहा है, बहुत जबरदस्त वो पावर प्ले के ओवरों का फायदा उठाते हैं, वहां पर सेटल डाउन होते हैं, उसके बाद लंबे लंबे छक्के मिडिल ओवर्स में स्पिन रोक लगाते हैं, यानी पावर प्ले के ओवरों में अगर कोई डोमिनेट करता है विपक्षी गेंदबाजों के ऊपर भारतीय टीम में तो वो अभिषेक शर्मा है, ना वो शुभमन गिल है, ना ऋतुराज गायकवाड है, ना यशस्वी जायसवाल है, अभिषेक शर्मा जैसा डोमिनेशन किसी भी भारतीय बल्लेबाज का अभी तक पावर प्ले के ओवरों में नहीं रहा है। तो एक कॉमन सेंस यही कहता है, एक वाजिब सा फैसला यही कहता है कि अभिषेक शर्मा पावर प्ले के ओवरों में उतरेंगे ही उतरेंगे, लेकिन शुभमन गिल कप्तान है, उनको अभी अपना वर्चस्व जमाना है, उनको अभी दिखाना है कि वो T20 क्रिकेट खेल सकते हैं, तो वहां पर ये उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने एक सेल्फिश फैसला लिया, अपने आप को अभिषेक शर्मा के ऊपर तवज्जो दिया, वहां पर यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा की अगर ओपनिंग जोड़ी बनती तो वो सबसे वाजिब जोड़ी होती, वो सही फैसला होता, वो भारतीय टीम के हित में होता, वो नए T20 टेम्पलेट के रूप में लिया गया फैसला होता, लेकिन यहां पर थोड़ा सा शुभमन गिल अपने बारे में सोच लेते हैं जिस कारण से अभिषेक शर्मा की बलि चढ़ाई जाती है, वो अभिषेक शर्मा जो पावर प्ले के ओवरों में खेलना पसंद करते हैं, वो अभिषेक शर्मा जो काफी लंबे समय से ओपनिंग करते हुए दिखे हैं, वो अभिषेक शर्मा जो पावर प्ले के ओवरों में स्पिनरों की जमकर कुटाई करते हैं, इवन पेस गेंदबाजों को भी नहीं छोड़ते हैं, वो अभिषेक शर्मा जो पिछले मुकाबले में अभी शतक ठोक चुके हैं, वो अभिषेक शर्मा जो मैन इन कॉन्फिडेंस हैं, उनको नंबर 3 पर भेजा जाता है और शुभमन गिल अपने ओपनिंग करते हैं। और उससे भी बड़ा आरोप यह बताया जाता है कि शुभमन गिल के पास अनुभव है नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का, शुभमन गिल एक अनुभवी खिलाड़ी थे, शुभमन गिल चाहते तो युवा खिलाड़ी को मौका दे सकते थे, शुभमन गिल चाहते तो अपने साथी खिलाड़ी का साथ दे सकते थे, उसको भरपूर मौका दे सकते थे, क्योंकि अभी उनका नया नया कैरियर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ है, तो जहां पर कंफर्टेबल फील करता है वो खिलाड़ी, शुभमन गिल को वहां खिलाना चाहिए और उनको नंबर 3 पर उतरना चाहिए था। ऐसे क्या होता है कि यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा की एक विध्वंसक ओपनिंग जोड़ी बन जाती, एक ऐसी जोड़ी जिसको देखकर विदेशी गेंदबाज या विपक्षी गेंदबाज दहलने लगते, पावर प्ले के ओवरों में उनकी स्ट्रेटजी बदलने लगती और फिर शुभमन गिल नंबर 3 पर खेल सकते थे, क्योंकि शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पर खेलते हैं, उनके पास अनुभव है और वो काफी लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो अपना बैटिंग पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा जो मैन इन फॉर्म थे, जो पिछले मैच में शतक ठोक चुके हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करना, उनकी बल्लेबाजी के साथ छेड़छाड़ करना ये सही फैसला नहीं रहा। शुभमन गिल ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तवज्जो दिया, एक वहां पर सेल्फिश डिसीजन ले लिया जिस कारण से अभिषेक शर्मा दूसरे मुकाबले में चल नहीं पाए, जब तक वो उतरे फील्ड छितर गई थी, फील्ड स्प्रेड आउट हो गई थी, वहां पर गेंद टर्न भी ले रहा था, बाउंस भी हो चुका था, कंडीशंस विपरीत हो चुके थे, जिस कारण से अभिषेक शर्मा उतनी बड़ी पारी नहीं खेल पाए और जो पिछले मैच के हीरो थे वो इस मैच में जीरो साबित हो गए। शायद पावर प्ले के ओवरों में आते तो फील्ड रेस्ट्रिक्शन का फायदा उठा पाते, अच्छी खासी पारी खेल जाते और अगर अपने आप को सेटल डाउन कर लेते पावर प्ले के ओवरों में तो मिडिल ओवर्स में ही हिट कर सकते थे। एक वहां पर
रीजन दिया जा सकता है कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के रूप में लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन भारतीय टीम बनाना चाहती थी, या यूं कहें कि शुभमन गिल बनाना चाहते थे, लेकिन भैया जब राइट राइट का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, टॉप ऑर्डर में खेल सकता है, तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं खेल सकता? ये क्या मतलब जरूरी है कि बस राइट राइट ही खेलेगा, लेफ्ट लेफ्ट बल्लेबाज नहीं खेल सकता? ऑस्ट्रेलिया में डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड खेलते हुए नहीं दिखते हैं? तो भैया ये सब रीजन्स अपने होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी ये कहूँगा कि सेल्फिश फैसला शुभमन गिल द्वारा लिया गया, अपने बारे में सोचा गया, और अभिषेक शर्मा जिनको तवज्जो देना चाहिए था, जिनको पावर प्ले के ओवरों में खेलना चाहिए था, जो सही विकल्प थे उनका चुनाव नहीं किया गया, जिस वजह से इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा की हीरोइक पारी नहीं देखने को मिली। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में कमेंट सेक्शन में, लेकिन आप कमेंट डाक दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, गिल ने सही फैसला लिया या फिर गलत। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।